और बच्चा लोग कैसे हैं आप? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज की जो ट्रिक है वो आपके ही लिए नहीं, सभी के लिए, बल्कि ये ट्रिक तो आपको हर जगह शेयर करनी चाहिए। इतनी आसान सी ट्रिक है जो मैंने अपनी नानी दादी से सीखी है। अभी अभी होली निकली है, काफी सारे कपड़ों में हल्का हल्का कलर आ जाता है, जैसे यूजीस में आ जाता है कॉटन के, और टॉवलों में हो जाता है, बेडशीट में हो जाता है, बढ़िया सुंदर से कॉटन के अपने कुर्ते जो होते हैं उन पे हो जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, कुर्ते को या तो ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं, काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो साफ़ हुआ कि नहीं। और हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़ों को उठा के लपेट के एक अलमेरा में पीछे फेंक देते हैं, नहीं चाहिए ऐसा। और जेंट्स लोग तो घर में बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वो कहेंगे नहीं चाहिए, हटा दो इसको। ये एक कुर्ता है जो होली में थोड़ा ख़राब हो गया, इसको नॉर्मल वॉश हो चुकी है इसकी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे दाग हैं। अब इसे मैं कैसे ठीक करती हूँ यहाँ देखते हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। ये देखिए, मैंने एक बड़ा सा पतीला गरम किया है, प्लास्टिक की कोई बकेट या टब ले लीजिए और उसमें पानी गरम कर दीजिए। और ऐसी ट्रिक मैंने पहले भी आपको कई बार दी है बच्चों, आप चैनल पर ज़रूर देखिए, उन सब की लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। यहाँ पर ले रही हूँ कास्टिक सोडा। बच्चों, कास्टिक सोडा और मीठे सोडा में क्या फ़र्क होता है? मीठा सोडा जो हमारे किचन में होता है, जो हम पकौड़े वगैरह में डालते हैं, केक वगैरह में डालते हैं, कई चीज़ों में डालते हैं, लेकिन कास्टिक सोडा सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने में काम आता है। ये देखिए, अब इसमें कोई भी डिटर्जेंट जो भी आप डालते हो, थोड़ा सा, 1 चम्मच डाल दीजिए। ये देखिए इसका रिएक्शन देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। एक शर्त है आपको, आपको हाथ इसमें यूज़ नहीं करना है। कोई भी आप चम्मच ले लीजिए, चिमटा ले लीजिए, हाथ यूज़ नहीं करना है, ये आपको वार्निंग है। और बच्चों से भी थोड़ा दूर ये काम करें, आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। बस ऐसे मिक्स कीजिए और इस गंदे से कुर्ता आप इसके अंदर डाल दीजिए, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, बस ऊपर नीचे इसी चिमटे से करते जाइए, 1-2 बार कर लीजिए, फिर आप रख दीजिए। ये देखिए, डालते ही इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली मैं जो खुद करती हूँ वही मैं आपके साथ बताती हूँ, ये टेस्टेड हैं बिल्कुल ट्रिक्स, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए, आपको कुछ फ़र्क मिला होगा, नीचे जो पानी हो गया है बहुत ही गंदा, और यहाँ पर कुर्ते की शक्ल थोड़ी सी दिखने लग गई है, और इससे भी ज़्यादा अगर कलर होगा वो भी साफ हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ देख लीजिएगा। अब मैं ऐसे 1-1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ, जिससे पूरी तरीके से इसका कलर निकल जाए। बस बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे करती रहूँगी, बस हाथ यूज़ नहीं करना है। लीजिए, अब 1-1.5 घंटा हो गया है, 2 घंटे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी हालत पर। अब इस कुर्ते को या तो धोबी पछाड़ की तरह थोड़ा सा उछाल लीजिए, या मोगरी हमारे घर में होती है जिससे थोड़ा कूट लीजिए, हाथ को बचा के खूब सारा पानी लगाइए। कोई ब्रश रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो अब इसको वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो पानी है इसे फेंकिए मत, किचन के गंदे टॉवल, ये देखिए आप हालत देखिए टॉवल की। मैं किचन के टॉवलों को यूज़ करती हूँ, पर कभी कभी मैं इस तरीके से साफ भी करती हूँ। ये देखिए, टॉवलों को हालत देख के आप देखेंगे कि किचन के टॉवल वाइट हैं, लेकिन ऐसे हो जाते हैं काम करने से, और मेरे किचन में तो कुछ ज़्यादा ही। अब देखिए, इन्हें भी मुझे उलटना पलटना है, और मुझे इसे क्या करना होगा, ओवरनाइट रखना होगा, क्योंकि इनकी हालत बहुत गंदी हो रही है। कुर्ते को मैंने वॉश कर लिया है, ये देखिए मैंने हाथों से ही पटक पटक के इसे वॉश कर लिया है, और ये इसका पूरा पानी मैं निकाल लेती हूँ। अब आप आराम से हाथ लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कपड़े को नुकसान नहीं हुआ है, ना आपके हाथों को नुकसान हुआ है, बस हैंगर में लगा लीजिए जहाँ आप इसे टांगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये सूख जाएगा। ये नैपकिन जो टॉवल हमने रखे थे, इन्हें भी मैं 2-4 बार पलट लेती हूँ, टाइम होगा तो 2-3 घंटे बाद मैं इसे वॉश कर सकती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं होता और ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं ओवरनाइट भी रख देती हूँ। मेरी दादी जो होती थी ना, वो वाइट चादरों को और या कुछ वाइट कपड़ों को इसी तरीके से साफ़ करती थी। ये देखिए, कुर्ते की कंडीशन को आप देखिए, आप पहचान रहे हैं ये वही कुर्ता है जो कुर्ता मेरा अलमेरा में ऐसे मोड़ तोड़ के फेंक दिया जाता है, मतलब गंदा है, नहीं पहनना है। अब ये कुर्ता बहुत ही लाजवाब हो गया। ये नैपकिन की हालत देख के तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, ये सूख चुके हैं, अब ये नैपकिन वही हैं जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ।
पुराने जरूर हैं टॉविन, लेकिन साफ हैं बिल्कुल। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और केयरफुली कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।